Bismillahir Rahmanir Raheem. Welcome to online teaching of English Compulsory, semester 1 of Associate Degree Program. This is lecture number 2, part 4, and it is a part of a verb that we are going to discuss in detail today. There will be the second part of the same part of speech, that means verb, in the next lecture. Okay? So we are going to Start with the origin and definition of verb. And if you can see to the right side, there is this diagram in which we come to know that verb initially it was in old French, it was written as V E R B E and it will be pronounced as verb. And verb means.

सो मीनिंग वर्ड दैट इन सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होता है ये ग्रामर में हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेज इन अ लैंग्वेज टेक्निकली जिसको हम सेंटेंस कहते हैं या क्लॉज कहते हैं उसको हम टेक्निकली कहते हैं सिंटैक्स ग्रामर की ज़ुबान में इसको सिंटैक्स कहते हैं जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अरेंज करते हैं एक खास तरीके से अच्छा अब वॉट इज़ वर्ब वर्ब कन्वेज एंड एक्शन तीन चीजें बताता है इट कन्वेज एंड एक्शन जिस तरह से ब्रिंग रीड वॉक रन लर्न अब ये एक्शन हो रहे हैं ठीक है नंबर टू इट कन्वेज एंड अक्रंस यानी कोई हैपनिंग होती है कोई इवेंट होता है जैसे हम कहते हैं कि हैपन या बिकम अच्छा और तीसरी चीज़ वर्ब क्या बताता है अस्टेट ऑफ बींग यानी कि टू बी टू एग्जिस्ट और टू स्टैंड यहां पे एक्शन नहीं हो रहा लेकिन एग्जिस्टेंस या बीइंग इस तरह की कोई चीज बता रहा है सो so, वर्ब की डेफिनेशन में क्या होएगा हम फिर रिपीट करते हैं कि अ वर्ब कनवेज ये बीच में से हटा देते हैं अगर हम फर्ज करें सो अ वर्ब कनवेज एन एक्शन एन अक्रंस और अ स्टेट ऑफ और सिंपल वे में कहेंगे

थोड़ा सा भी सेंटेंस uh, को जहन में लेकर आए तो एक होता है डूअर ऑफ एन एक्शन जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं ग्रामर में ठीक है तो व्हाट अ पर्सन ये देखिए वो लुक एट दीज एग्जांपल्स द क्लॉक स्ट्राइक्स ट्वेल्व इसमें सब्जेक्ट आपका हो या डूअर ऑफ एक्शन होता है क्लॉक क्लॉक ने ये काम किया है क्या काम किया है इट स्ट्राइक्स एंड ट्वेल्व जो भी आगे uh, उसकी बात हो रही है अच्छा जमील Laughs. Jameel is a subject or a doer, and laugh is the action. Right? All right. अब हम देखते हैं next. What is done to a person or a thing? अगर अब थोड़ा सा आपको active passive voice याद हैं, तो ये active voice का sentence है, ये passive voice का sentence है. तो इसमें object जो है वो आपकी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है ठीक है तो उसको भी जब हम दिखाते हैं तो वर्ब का इस्तेमाल होता है कैसे वट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग जैसे ये जुमला है द विंडो इज ब्रोकन द विंडो इज ब्रोकन तो विंडो सब्जेक्ट नहीं है ये ऑब्जेक्ट है उस पर कोई काम हुआ है ये विंडो ने काम किया नहीं है यहाँ पे तो क्लॉक कर रहा है काम जमील ने काम किया है कोई एक्शन किया है यहाँ पर विंडो ने एक्शन नहीं किया विंडो को किसी और ने तोड़ा है सो द विंडो इज ब्रोकन अब ये भी एक वर्ब की आपके पास एग्जाम्पल आ गई है है ये पैसिव वॉइस में हैज बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल अब आप देखें हिरा जो है वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट प्रिंसिपल है क्योंकि प्रिंसिपल ने कोई एक्शन किया और वो है कि हिरा को बुलाया लेकिन हिरा ने कोई एक्शन नहीं किया सो हैज बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल तो हैज बीन कॉल्ड ये पूरा एक वर्ब ये पूरा वर्ब को रिप्रेजेंट करे ठीक दिस शोज एंड एक्शन अच्छा जी नंबर थ्री वट अ पर्सन और अ थिंग इज यानी वर्ब हमें क्या क्या बता रहा है कि वट अ पर्सन डज वट इज डन बा टू अ पर्सन एंड वट अ पर्सन और अ थिंग इज यानी उसकी स्टेट क्या है उसकी बींग क्या है तो अगर हम कहते हैं कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल तो यहाँ पर देखें तो ये इज इस इज से मुख्तलिफ है यहाँ पर कि ये काम उस तरह से एक्शन तो नहीं कर रहा लेकिन कुछ लिंक कर रहा है कि सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है उसके अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ ठीक है आई फील सॉरी ग्लास इज फ्रेजाइल तो ये किसी चीज़ की बींग uh, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ये जो अंडरलाइंड वर्ब्स हैं अभी फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूं कि इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं क्योंकि आगे वर्ब की तो आगे टाइप्स भी हैं ओके okay, अब ये देखिए ये वर्ब की टाइप्स हैं सबसे पहले आ जाते हैं जी मेन वर्ब्स ठीक है जो मेन uh, काम वो वर्ब करते हैं एक्शन या वो वो वर्ब वो काम करेंगे देन देर विल बी हेल्पिंग वर्ब्स लेकिन कुछ उनके असिस्टेंट्स होते हैं उन असिस्टेंट्स की भी दो तरह की किस्में होती हैं उसमें से एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑगजिलरीज और दूसरे को कहते हैं मॉडल्स इनको किसी जगह पर मॉडल ऑगजिलरीज भी लिखा जाता है मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं लेकिन मैंने इनको कहा है कि प्राइमरी ऑगजिलरीज एंड मॉडल्स और दोनों को मिला के हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है अच्छा फिर नंबर थ्री पर आते हैं लिंकिंग वर्ब्स फिर नंबर फोर पर आते हैं ट्रांज़िटिव वर्ब्स फिर आते हैं इन ट्रांज़िटिव वर्ब्स अच्छा फॉर टाइम बींग आज के लेक्चर में वी विल नॉट टच ट्रांज़िटिव एंड इन हम बात करेंगे इस पूरे की वन टू थ्री जिसमें ये भी शामिल है ये आपका सेपरेट टॉपिक भी है तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा ठीक है जी सो लेट्स स्टार्ट विथ some of the examples in front of you examples they I am driving to the beach I had seen the movie before they attended the party she will have finished this assignment by tomorrow you leave this room in five minutes they should apply for this job people are being checked for the virus subjects तो काम आप देखेंगे इसमें आए इसमें भी आए इसमें दे इसमें शी इसमें यू इसमें दे इसमें पीपल तो ये सारे तो हो गए जी सब्जेक्ट्स ठीक है जी दे आर डूइंग सम एक्शन एक्शन क्या चल रहा है अब जो आप रेड कलर्स देख रहे हैं रेड वर्ड्स वर्ड्स इन रेड कलर बेसिकली ये मेन काम कर रहे हैं ठीक है सो दे आर दी मेन वर्ब्स कैसे इधर कोई ड्राइव कर रहा है ठीक है जी आई uh, अगर हम कहते हैं आई ड्राइविंग टू द बीच तो अब इस ये ठीक नहीं लगेगा इसकी हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट है और वो है एम आई एम ड्राइविंग टू द बीच तो इसलिए एम यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब ठीक है सो ऑल दीज येलो कलर्स आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स अभी मैं ये नहीं बता रही कि ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं या मॉडल्स हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये हेल्प कर रहे हैं मेन वर्ब को काम करने में ठीक है ये अब कॉन्टिन्यूस बना रहा है इसको तो आई एम ड्राइविंग आई हैड सीन अब इसको ये पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए इसको हैड की जरूरत पड़ी है जबकि मेन वर्ब जो असल में काम है वो सीन है अच्छा यहाँ पर देर इज नो नो हेल्पिंग वर्ब दे अटेंडेड द पार्टी इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी बिकॉज़ ये पास्ट टेंस है और ऑलरेडी हम जब ई डी लगा रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये पास्ट एक्शन है इसको ज़रूरत नहीं है हाँ हम ये कह सकते थे दे वर अटेंडिंग द पार्टी फिर तो ठीक था सो हेयर अटेंडेड इज़ अ मेन वर्ब इधर जरूरत नहीं पड़ी यहाँ देखें शी विल हैव फिनिश्ड अब विल हैव ये दो हेल्प कर रहे हैं मेन वर्ब को इसके अंदर भी देर इज नो हेल्पिंग वर्ब

हेल्पिंग वर्ब इज शुड एंड मेन वर्ब इज हेल्प राइट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेम टाइप सो वी जस्ट है लुक एट मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स राइट सो मेन वर्ब्स आर असिस्टेड बाय द हेल्पिंग वर्ब्स अब हम फर्दर डिटेल में आते हैं कि वट आर वट काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर तो दो काइंड हैं जिसमें एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज है एंड द अदर वन इज मोडल्स एक तीसरी भी तरह की होता है उसको हम कहते हैं कि सेमी ऑक्सिलरीज या सेमी मॉडल्स वो वो भी अभी मैं बताऊंगी बट दीज टू आर मोर कॉमन ठीक है जी अच्छा जी लुक एट दिस डायग्राम सबसे पहले जी वर्ब्स हमने दिखाए वर्ब्स के बाद मेन वर्ब्स हैं ठीक है और फिर ऑगजिलरीज हैं अब ऑगजिलरीज के अंदर नंबर वन प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो मैंने बताया आपको और दूसरी आगे जी मोडल्स अच्छा ये ऑक्सिलरीज बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरीज भी कहते हैं बिकॉज लैटिन लैंग्वेज के अंदर ऑक्सिलरी का मतलब ही ये होता है कि हेल्प द वन हु विच हेल्प ठीक है हेल्पर्स सो so, आप इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहें या ऑगजीलरीज कहें एक ही बात है ऑगजीलरीज़ की आगे दो तरह के ऑगजीलरीज होते हैं एक को प्राइमरी कहते हैं और दूसरों को मोडल ऑक्सिलरीज या मोडल वर्ब्स कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे फर्दर हमारे पास थ्री काइंड हैं जिसको एक को हम कहते हैं टू बी टू डू यानी बेस फॉर्म के साथ हम कह रहे हैं ना इंफिनेटिव के साथ एंड द थर्ड वन इज टू हैव अब हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों कहते हैं यह भी मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि इसको हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं ये सिर्फ थ्री हैं कौन कौन से हैं टू बी टू डू एंड टू हैव अब मॉडल्स दूसरी तरफ देखें तो कितने हैं शल विल शुड वुड मे माइट कैन खुड मस्ट ओट टू नीड डेयर यूज टू सो so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 मॉडल्स एंड 3 प्राइमरी ऑग्जिलरीज ठीक है अच्छा अब हम अगर पिछले सेंटेंस लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड यहां पर देखें अब अब मेन वर्ब्स को छोड़ दें क्योंकि हम अब उनकी बात नहीं कर रहे अब रेड कलर्स को साइड पे कर दें अब ब्लू में देखें अब कौन सा कौन सा वाला होगा क्या लगता है आपको एम क्या होगा क्या वो मॉडल है कि ऑक्सिलरी है हैड क्या होगा विल हैव क्या होगा शुड क्या होगा और बीइंग क्या होगा ठीक है इस पर हम दोबारा भी वापस आते हैं ठीक है जी सो टू बी जो वर्ब होता है ना उसकी बहुत सारी आगे अगर आप देखें तो एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं वॉज वर्ड की तरह यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में या आगे से फिर उन्होंने उनकी फॉर्म्स बताई है ना प्रेजेंट टेंस हाँ जी टेंस, टेंस बताए और फॉर्म भी बताई हैं ठीक है जी तो ये इनको आगे इस तरह से कहते हैं टू तो हैव हैज़ हैव तीन होती है टू डू में डज डू और डिड होता है टू बी में खैर काफी सारी हैं बींग और वो बीन भी होती हैं ठीक है जी तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अच्छा नाउ व्हाट इज दिस इफ यू लुक एट ये देखिए दीज आर दी प्राइमरी ऑगजिलरीज इन सेंटेंसेस अब ये सारे जो है ना ये प्राइमरी ऑग्जिलरीज हैं जिनमें टू बी की फॉर्म्स आएंगी आगे टू हैव की आएंगी एंड टू डू की आएंगी ठीक है जी अब देखें अगर एम है तो अब आप सारे पिंक कलर्स देख लें सब पिंक कलर्स देख लें ठीक है ऑल दीज पिंक कलर्स आर बेसिकली दी प्राइमरी ऑगजिलरीज और ये हेल्प कर रही हैं मेन वर्ब्स को ठीक है सो so, ये देखिए ही वॉज सेलेक्टेड बाई यूनानिमस वोट वर प्लेइंग बी विल बी ये देख लीजिए ही हैज ब्रॉट आर गेस्ट हैराइव आई हैड तो दे आर हेल्पिंग द मेन वर्ब्स ठीक है यहाँ ये फ़र्स्ट टू एग्ज़ाम्पल्स को आप बल्कि फर्स्ट थ्री एग्ज़ाम्पल्स को हाँ जी पहली तीन एग्जाम्पल्स को आप इग्नोर करें बिकॉज दीज आर सम अदर काइंड इसको छोड़ दें एम इज एंड आर आप वॉज से देखें तो यहाँ पर मेन वर्ब्स फॉर टाइम बिंग मैंने आपको ये बताना है कि ये बेसिकली uh, हैं तो प्राइमरी ऑग्जिलरीज uh, होते हैं लेकिन यहाँ पर दे आर नॉट वर्किंग एज़ द हेल्पिंग वर्ब देखें यहाँ पर क्या ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं ये तो दूसरा वर्ब तो कोई भी नहीं है आई एम सॉरी इसमें तो कोई दूसरा वर्ब नहीं है ही इज अ ग्रेट यहाँ पर भी कोई दूसरा वर्ब नहीं है यू आर नेवर टू ओल्ड कोई दूसरा वर्ब नहीं है लेकिन यहां देखें ही वॉज इलेक्टेड अब इलेक्टेड इज अ मेन वर्ब उसको हेल्प कर रहा है वॉज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग प्लेइंग इज अ मेन वर्ब उसको हेल्प कर रहा है व म्यूजिक विल बी प्लेड अगेन मेन वर्ब प्लेड डिवोर्स्ड Bought, arrived, seen, feel, fulfill have. अच्छा अब जो प्राइमरी auxiliaries हम इनको क्यों कहते हैं हम इनको इसलिए कहते हैं कि द प्राइमरी auxiliary वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर आर द वर्ब्स दी थ्री बता दिया था मैंने पहले बी हैव एंड डू लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर लें कि इनमें और मॉडल्स में क्या फ़र्क है ऑल थ्री ऑफ विच कैन फंक्शन एज आइदर मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स इनमें यह ये खसूसियत होती है कि या कभी कभार ये मेन वर्ब्स की तरह काम करते हैं और कभी कभार ये ऑक्सिलरीज की तरह काम करते हैं जबकि मॉडल्स सिर्फ ऑक्सिलरीज ही होते हैं वो हेल्पिंग ही होते हैं अब हम वापस एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं गो बैक और यहां पर देखें आई एम सॉरी यहां पर एम मतलब जो टू बी का आगे फॉर्म है एम इट इज नॉट वर्किंग एज हेल्पिंग इट इज वर्किंग एज मेन वर्ब एग्जैक्टली यहां पर मेन वर्ब काम कर करे क्योंकि कोई और वर्ब तो है ही नहीं जिसकी हेल्प करे अच्छा आर यहां पर आप देखें तो इट इज हेल्पिंग नो नो अदर वर्ब यह खुद ही मेन वर्ब है ठीक है जी तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं वर्ब टू बी की एज अ मेन वर्ब और फिर आगे ये हेल्पिंग है तो प्राइमरी ऑगजिलरीज में देयर आर टू थिंग्स विच आर डिफरेंट वो क्या है कि या तो ये ये काम कर सकते हैं मेन वर्ब्स के तौर पर भी या फिर ये ऑगजीलरी या हेल्पिंग के तौर पर भी काम कर सकते हैं अब एग्ज़ाम्पल्स दोबारा से मैंने लगा दी अब आप इनको देखें कि यहां पर चेक करें वॉट डू यू मीन बाय दैट अब यहां पर डू क्या है ये प्राइमरी ऑग्जिलरी इसलिए है क्योंकि यहां पर दूसरा वर्ब बेसिकली मीन है तो ये मीन को हेल्प कर रहा है सो इफ इट इज हेल्पिंग तो इट विल बी हेल्पिंग वर्ब लेकिन यहां देखें आई डू होमवर्क अब इट इन इट सेल्फ इज मेन वर्ब तो अब ये हो गई ना दो क्वालिटीज इसमें सेम इज़ द केस टू हैव को देखें अब हैव यू एवर बीन देर अब ये प्राइमरी ऑब्जिलरी क्यों है कि यहाँ पर एक्चुअल मेन वर्ब ये है बीन अगेन टू बी का थर्ड फॉर्म है ये या पास्ट पार्टिसिपल है सो हैव यू एवर बीन देयर लेकिन यहाँ पे हैव का फंक्शन देखें आई हैव अ गुड बुक यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि कोई और वर्ब तो है ही नहीं ये खुद ही एक मेन वर्ब है अच्छा सेम इज़ द केस विद अगेन एक एग्जाम्पल है टू बी की आगे जो uh, है फॉर्म आई एम स्टडियंग इंग्लिश नाउ अ डेज ये इसलिए प्राइमरी ऑगजिलरी है बिकॉज स्टडियंग इज द मेन वर्ब लेकिन यहाँ चेक करें आई एम अ स्टूडेंट यहाँ पर तो कोई मेन वर्ब नहीं है सवाए इसके अपने तो इन ऑल दीज केसेस दीज थ्री ऑगजिलरीज दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑग्जिलरी कैन फंक्शन एज आगरी वर्ब्स इज इट क्लियर नाउ ओके अब हम मोडल्स की तरफ चलते हैं मोडल्स इसलिए थोड़े आसान होते हैं बिकॉज एक तो अगर आप इस सॉरी मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा अगर आप इनको देखिए ना इन तीन वर्ब्स को तो ये Uh, इनकी फॉर्म्स भी चेंज होती रहती हैं ये सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं नाउन uh, uh, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी होता है यानी आई के साथ डू लगेगा तो लेकिन ही शी इट के साथ डज लगेगा फिर इनकी पास्ट फॉर्म भी होती है यानी uh, इनमें वॉज वर होते हैं इसमें हैड होता है इसमें डिड होता है डन uh, होता है पास पार्टिसिपल इसमें भी हैड पास पार्टिसिपल होता है इसमें बीन जो है पास पार्टिसिपल तो देखें ये थोड़े फिर दे चेंज देयर फॉर्म्स दे चेंज देयर टेंस तो इसलिए ये मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट करते हैं और ये हेल्पिंग की तरह भी लेकिन ये जो मॉडल ऑगजिलरी वर्ब्स होते हैं दे डू नाट चेंज देअर टेंस नाइदर दे चेंज देअर फॉर्म इका दुका का होता है वो आप देखें कैन का कुड हो गया विल का वुड uh, हो गया लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके साथ अगर आप देखें तो ये इतना अपना टेंस या अपना चेंज नहीं करते सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक है तो मोडल वर्ब्स क्या होते हैं पहले तो ये बता बताते हैं कि ये दिखते कैसे हैं अ मोडल वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन द बेस फॉर्म बेस फॉर्म होती है जो उसकी टू प्लस के साथ जो फॉर्म होती है जैसे अगर हम कहते हैं प्ले तो ये प्लेज नहीं होगा प्लेइंग नहीं होगा प्लेड नहीं होगा इट विल ऑलवेज बी द द बेस फॉर्म जिसको इंफिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं ये उसमें होता है तो हमें अच्छा मॉडल्स जो है ना वो या मूड या एटीट्यूड या किसी परमिशन या किसी अ, इस तरह की चीज़ों को जाहिर करते हैं तो विच आई विल एक्सप्लेन अब एग्जाम्पल देखें आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल अब आप देखें कैन मॉडल है अब आगे बेस फॉर्म है ये यानी ये स्पीक्स नहीं हो सकता आई कैन स्पीक्स कभी नहीं होगा आई कैन स्पोक नहीं होगा आई कैन स्पोकन नहीं होगा आई कैन स्पीकिंग नहीं होगा इट विल ऑलवेज बी आई कैन स्पीक कुड हो सकता है ये थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन इट विल ऑलवेज रिमेन अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छा अभी थोड़ ये देखें ये वाले एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हमने मैंशन कर चुके हैं पीछे एक डायग्राम में दैट कैन कुट विल वुड शल शुड अच्छा शुड इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ शल शल की पास्ट फॉर्म शुड नहीं होती है विल और शल की पास्ट फॉर्म वुड होती है शुड एक अलग से मॉडल uh, है उसका मतलब होता है चाहिए ठीक है मे माइट और मस्ट और इसमें दो तीन और भी हैं जो कि हमने पीछे हम कर चुके हैं लेकिन ये कॉमन है ओके okay? और ये सेमी मॉडल वर्ब्स हैं सेमी मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो मॉडल्स की तरह ही काम करते हैं लेकिन इनकी फॉर्म चेंज हो सकती है टेंस चेंज हो सकता है जैसे डेअर्ड हो सकता है नीडेड हो सकता है या इस या ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं लेकिन इनको हम सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं कि उनके बाद एक और वर्ब इन्फिनेटिव में लगता है जैसे आई हैड बेटर डू दैट ऑट टू डू दैट नीड नीड टू गो देयर नीड गो देयर डेयर टू गो देयर या इस तरह से इनके बाद एक वर्ब और लगता है ठीक है सो दे आर ऑल्सो वर्क एज मोडल वर्ब्स ओके तो मोडल वर्ब्स के साथ हमेशा हमें एक मेन वर्ब चाहिए होता है ठीक है जी इसी तरह ये क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं राइट right? अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स को सेंटेंसेस में अब देखें ये क्या मॉडल वर्ब्स क्यों यूज करते हैं आप कि ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मॉडल वर्ब्स के अगर कैन और कुड आप यूज कर रहे हैं तो ये एबिलिटी को जाहिर करेंगे परमिशन भी इससे जैसे हम कहते हैं ना कि मैम मे आई कम इन कैन यू ब्रिंग दैट आप परमिशन या एबिलिटी एडवाइस जैसे हम किसी को शुड कह के एडवाइस का करते हैं ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि यू मस्ट डू दिस या यू हैव टू डू दिस ठीक है पॉसिबिलिटी में हमारे पास आ जाता है माइट मे कुड कैन तो ये फाइव uh, फंक्शंस uh, और मोडलिटीज़ ये परफॉर्म की जाती हैं बाय दीज मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अभी आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स में किस तरह से यूज़ हुआ हुआ है कि डेविड कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस एबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज फाइव अब ये पास्ट में अच्छा कभी कभार हम कुड को यूज़ कर लेते हैं जो पोलाइट वे में किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है। जैसे हम कहते हैं कुड यू शर्ट दैट विंडो या वुड यू माइंड शर्टिंग दैट विंडो तो ये हम ना uh, इसका मतलब पास्ट नहीं है इसका मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी या क्वेश्चन पूछना तरीके से अच्छा कैन कुड और मे को फिर उन्होंने यूज़ किया हुआ कि कैन आई सेट इन दैट चेयर प्लीज कुड आई ओपन विंडो मे आई बोरो योर डिक्शनरी तो परमिशन के लिए आप इन तीनों में से कोई भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर किसी को एडवाइस देनी है तो एडवाइस के लिए यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट यू शुड ट्राई टू लूज वेट अब ये एडवाइस के लिए हमने अब हर एक में आप देखेंगे कि इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है देखें। कैन स्पीक कुड स्पीक कैन सिट कुड ओपन अब किसी जगह पर भी ये नहीं होगा कि सैट ओपनड या ओपनिंग तो ये हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मॉडल वर्ब्स हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी ठीक है शुड विजिट शुड ट्राई तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अच्छा मस्ट या हैव टू के साथ भी हमेशा बेस फॉर्म मस्ट मेमोराइज यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज देखें टेकन नहीं कहा टुक नहीं कहा अच्छा पॉसिबिलिटी अगेन ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होते हैं इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टूमो ठीक है अच्छा तो ये यूज हो गया मॉडल का कि दे हेल्प द मेन वर्ब फर्क ये है कि जो दूसरे वर्ब्स हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज दे कैन बी यूज आइदर एज हेल्पर्स और एज मेन वर्ब्स लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो सकते दे विल ऑलवेज बी हेल्पर्स ठीक है सो दिस इज वॉट अबाउट मॉडल वर्ब्स और राइट नाउ वॉट इज दिस दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ़ टूडेज लेक्चर जिसमें हम एक और टाइप ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं और आप थोड़े से जुमले से चेक कीजिए और अंडर पे हम गौर करेंगे कि देखें पोल्यूशन फ्रॉम कार्स हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम अब इसमें आप छोड़ दें हेल्पिंग या मेन को आप सिर्फ ये देखें कि ये काम क्या कर रहे हैं यानी कि क्या ये एक्शन है इनमें कहीं भी आई फील ओ फुल शी ग्रोज प्रिटियर एवरी डे you look tired uh, i am a doctor the diamonds appeared to be genuine he remains undecided she seems very happy that sounds a good idea hmm this tastes good the cream smells funny the task proved too difficult acha pata nahi aapne note kiya ya nahi lekin humne कि ये सारे जो वर्ब्स हैं ये लिंक कर रहे हैं सब्जेक्ट को आगे उसके हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट से यानी कि उसके अगले पार्ट के साथ जैसे पोल्यूशन फ्रॉम कार्स बिकम यानी अब ये इट रेफर्स टू पोल्यूशन अ मेजर प्रॉब्लम व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम पोल्यूशन तो अब ये लिंक कर रहा है पोल्यूशन को प्रॉब्लम के साथ मेजर प्रॉब्लम लेकिन अपने आप में कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा ठीक है आई फील ऑफुल आई फील ऑफुल अबाउट फॉर गेटिंग हर बर्थडे तो आय को लिंक करेगा कि वो कैसा फील कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है शी ग्रोज प्रिटियर यू लुक टायर्ड अच्छा अभी इन सारी एग्जाम्पल्स में हमें क्या पता चलता है कि हेयर the uh, the subject is being linked with its rest of the part तो ये जो rest of the part है ना a major problem या awful about forgetting इसको हम एक term use करते हैं उसको कहते हैं complement कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो जुमले को मुकम्मल करता है इसके बगैर जुमला ना मुकम्मल है कैसे पुल्यूशन फ्राम कार्ज हैज़ बिकम और हम चुप हो जाएं तो जुमला तो ना मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब है कि ये लिंक कर रहा है इसको कनेक्ट कर रहा है अगले के साथ आई फील और आगे हम चुप हो जाएं। तो अगला कहेगा वॉट तो ये लिंक करेगा अगले जुमले के साथ तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट यानी कि कंप्लीट शी ग्रोज और आगे खामोश हो जाएं। तो ये आ, जो है इनकंप्लीट uh, हो जाएगा तो लिंक या कनेक्ट करने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब वो, वो अपने आप में कोई एक्शन नहीं करता वो सिर्फ एक ब्रिज का, का काम पुल का काम का करता है कनेक्शन का काम का का करता है ठीक है सेम इज द केस विद ऑल दी ज्यादातर ये आपकी फाइव सेंसेस के साथ भी होता है स्मेल हेयर से या इस तरह से कोई होता है ठीक है अच्छा अब देखें फर्दर एक्सप्लेनेशन अब लिंकिंग वर्ब का क्या का काम है कि इट री आइडेंटिफाइज देखें सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए ही इज अ मॉन्स्टर अब हम कहते हैं कि ही इज तो ये इनकम्प्लीट है अब ही को लिंक करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ देखें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट लुक एट द स्पेलिंग कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ये होता है कि इट रेफर्स और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट तो ये मॉन्स्टर नाउन है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये नाउन की फॉर्म में एक आ, बाकी का हिस्सा है उसका ठीक है सो ही इज अ मॉन्स्टर इज यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये मेन वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के अंदर हम इसको आ, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा तो इसको हम कहेंगे लिंकिंग ये सिर्फ लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को अपने उसके यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के साथ दूसरी एग्जांपल देखें कि इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट कैसे ही लुक्स स्टनिंग ही लुक्स व्हाट स्टनिंग तो यहाँ एडजेक्टिव है तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर मैं कहती हूँ कि इट इज ग्रीन ठीक है तो इट इज ग्रीन तो इज वहां पर आ जाएगा लिंकिंग वर्ब ग्रीन एडजेक्टिव आ जाएगा तो आपने यहां पर दोनों के साथ आप कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कभी सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है ठीक है जी अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लें द स्टू यानी स्टू इज काइंड ऑफ अ डिश मीट डिश होती है द स्टू टेस्टेड गुड अब यहां पर देखें तो स्टू टेस्टेड गुड में आपके पास ये फिर कॉम्प्लीमेंट आ गया सब्जेक्ट और ये जो है एडजेक्टिव है और यहां पर

कि वैसे भी यूज किए जा सकते हैं तो लिंकिंग तो इंग्लिश में कहेंगे लेकिन लैटिन uh, में कहेंगे कॉप्यूला या कॉप्युलर वर्ब्स ये वही बात मैंने जो आपको बता दी अब यहां पे डिटेल आ गई है कि लिंकिंग वर्ब्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड कॉप्यूल और कॉप्यूला वर्ब्स कनेक्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड क्या है कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन एजिकटिव नाउन और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कभी कभी ये एक वर्ड से ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ता है आपस में टू डिस्टिंग वर्ब रिमेंबर कह रहे हैं याद रखें दैट दे डू नॉट इंडिकेट एक्शन इन अ सेंटेंस। इसमें वो एक्शन नहीं कर रहे होते वो सिर्फ पैसिव रह के लिंक कर रहे होते हैं डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बींग रिजल्ट और वन ऑफ द फाइव सेंसेस इन अदर वर्ड्स लिंकिंग वर्ब्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसको आप बेशक अपने पास लिखें ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए ठीक है लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता ठीक है ना तो क्या बन जाता है ये ये हमेशा सब्जेक्ट को रेफर करते हैं सब्जेक्ट प्लस ये फॉर्मूला है उसका सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे हम कहते हैं कि ही इज गुड बॉय देखें तो यहां पर हमने उसी को रेफर बैक कर दिया तो अब आप दोबारा जब एग्जाम्पल्स देखेंगे ये वाली एग्जाम्पल्स तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इसमें आप देखेंगे तो कहीं पर नाउन होंगे ये जैसे यहां पर ये जो है ये नाउन के तौर पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये जो है टू बी जेनम ये जो आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव फ्रेज ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगी ठीक है तो इस तरह से जैसे कि शी सीम्स वेरी हैप्पी ये भी एडजेक्टिव वाली है लेकिन ये नाउन है देखिए दैट साउंड्स अ गुड आइडिया तो ये नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी ओके okay. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अच्छा जी अब आ जाती है आपके पास एक्सरसाइज कोशिश करें कि जो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया इसको आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले और नहीं तो दोबारा से इन स्लाइड्स को देखें सो दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन तो आप लोगों ने हर सेंटेंस में इन ये टेन सेंटेंसेज हैं इन ईच सेंटेंस अंडर लाइन द हेल्पिंग वर्ब विद अ सिंगल लाइन एंड द मेन वर्ब विद टू लाइन्स अब मैंने आपको बता दिया फर्स करें ये सेंटेंस है तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौ, कौन सा है शी वॉज रेसिंग इन अ व्हील चेयर रेस वॉज रेसिंग वॉज जो है यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब इसके सिंगल अंडरलाइन लगाएंगे ठीक है सिंगल अंडरलाइन करेंगे लेकिन मेन वर्ब रेसिंग है इसको टू लाइंस लगा देंगे समझ आ गई इस तरह से आपने इसको करना है और ये लास्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे ये देख रहे हैं आप दो कॉलम्स उसके अंदर दो बॉक्सेस में आ, हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं तो आपने क्या करना है कि अंडरलाइन अब ये देखे बेटे इंस्ट्रक्शन जरूर याद रखें कि अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है और हेल्पिंग के अंदर क्या करेंगे कि ऑल्सो पॉइंट आउट द मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज विद इन हेल्पिंग वर्ब्स अब एक आदमी करके आपको दिखा देती हूँ शी लुक्स फाइन शी लुक्स फाइन अब ये रेफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को तो यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है ठीक है ये उस तरह से मेन वर्ब भी नहीं है लेकिन इसका काम है इन दोनों को कनेक्ट करना तो ये लिंकिंग है तो लिंकिंग में हमने अंडरलाइन तो हमने लुक्स को अंडरलाइन कर दिया अब मैं वो वाला देखती हूँ जहाँ पर कोई हेल्पिंग uh, वर्ब है अच्छा हेल्पिंग वर्ब में है तो सही इधर लेकिन मैं हाँ समझे ये कर रही हूँ मैं ही हैज़ डन दर्क हैज़ और डन डन आ जाएगा यहाँ पर मेन ठीक Main मेन को तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताना लेकिन हमने बताना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से और उसमें से फिर मॉडल्स या प्राइमरी कौन से हैं तो ही हैज़ डन वर्क हैज़ जो है इसको मैं क्या करूँगी ये मैं बताऊँगी कि आई विल सर्कल दिस हेल्पिंग है ये और इसमें मैं लिख दूँगी प्राइमरी ऑक्सिलरी ठीक है तो इस तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपको समझ आ जाए नहीं समझ आता तो आस्क मी सो दैट आई शुड हेल्प यू ठीक है जी सो कमिंग अप नेक्स्ट विल बी योर दिस पार्ट फोर बी विन विच वी विल टॉक अबाउट वर्ब्स लेकिन वर्ब्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव की बात करें फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करें एंड टेंसेस तो इन वी आर गोइंग टू Uh, see uh, and meet next time uh, through these video lectures. So stay blessed. See you, Inshallah. Allah Hafiz.